दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे भी वेखो नेक कमाई विच्चों दसवां हिस्सा गुरु की गोलक विच पाउणा है। ओ गुरु की गोलक जिहड़ी लोड़वंदां दे काम आउंदी है। वेखो कोई गरीब है तन ते कपड़ा नहीं, गरीब दे तन नूं कपड़ा लै देना, तन ढक देना एक अपाहज है। वो कमाई नहीं कर सकता, उस दियां आंदरां तपियां ने भुख दे सहत है, उहदे मूंह नूं कोई बुरकी ला देनी, ये अपने दसवें हिस्से चो करना है। कोई हालातों का मारिया रबी आफत आ गई, हड़ आ गए, किते काल पै गया, किसी की फसल नूं अग लग गई, ऐसे लोड़वंदा की मदद करनी। आप कई बार कह दें गरीब का मूँह गुरु की गोलक है, गुरु के दर लई दसवंध कढ़ना। पर वेखो गुरुद्वारा बंगला साहब बैठे हो, हरिमंदर साहब जाते हो, हजारा गुरु घर ने, गुरु की गोलक विच जेड़ा तुसी दसवां हिस्सा अपना पाउंदे हो, उहदे नाल लखां लोड़वंद लोग लंगर छकदे ने, भोजन छकदे ने। और सिख जगत की ये वडियाई है भी किते भी कोई रब्बी आफत आवे, किते हड़ आउण, किते भूकंप आवे, हालात बदतर हो जाण, किते बदल फट जावे, किते लड़ाई लगी होवे, ते गुरु के सिख अपने दसवंध चों भोजन बस्तर पदार्थ लैके उस जगह पहुँच के सेवा कर आउंदे ने, गुरु नानक निरंकारी दीयां खुशियां प्राप्त कर लैंदे ने। हुण तेरे दसवंध कढ़न नाल इक खुशहाल समाज की सिरजना हो सकती है। जिहड़े लोड़वंद ने कमा नहीं सकते, उहनां दीयां लोड़ां दी पूर्ति भी हो सकती है। दसवंध कढ़ना इसलिए जरूरी है। हुण करदे की हैं, जे 10 वस्तुआं दित्तियां ते लखां ने, मन लो 10 वस्तुआं सानूं उसने दित्तियां ने, विचों एक वस्तु लोड़वंद लई असीं कढ़नी है, कोई घाटा नहीं पैन लगा, 9 भी उसने ही दित्तियां ने। हुण मुश्किल ये है भी जिस करतार ने 10 वस्तुआं सानूं दित्तियां सी, उहदे निमित्त असीं एक भी कढ़न लई तैयार नहीं। लोड़वंदां लई एक भी वस्तु असीं कढ़न लई तैयार नहीं, ते मन लो 9 चों एक ही जानी सी, 10वां ही जाना सी, 9 कोल रह गईआं, 10वां हिस्सा चलिआ गिआ। देण वाला 10 दीआं 10 वस्तुआं उह सी, ते मन लवो 10 ही खो लवे ते फिर उहदा की विगाड़ लोगे। साफ जिहे बोल ने, 10 वस्तु ले पाशै पावै, 10 वस्तु ले पाशै पावै, एक बस्त कारण बिखोट गवावै, एक पी ना दे 10 पी फिर ले, तो मूड़ा कहो कहा करे, फिर की करेगा कहते। सो दसवंध कढ़ना जरूरी है। साफ किया पातशाह ने, जो बाबे के दाम ना दे हैं, तिनको गह बाबर के लै हैं। याद रखियो।